हेलो फ्रेंड्स, सिलाई सीखो से मैं सरिता शर्मा। आज हम छोटे छोटे पीस से डोरमेट बनाएंगे। जो भी आपके पास छोटे पीस है आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसका साइज जो है ये मैंने 3 इंच लिया है, 3x3 का। आप छोटा बड़ा इसमें कर सकते हैं। छोटे पीस भी अगर आपके पास है तो इसमें मिक्स कर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप पुराने कपड़े से भी आप इसको बना सकते हैं। बेस के लिए हमारे को कपड़ा चाहिए। ये मैंने पैंट में से ये पीस कट कर लिया है जिसमें मैंने राउंड शेप दी है। आप कोई भी शेप इसमें रख सकते हैं। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, डबल धागा लेंगे, नीडल में नॉट लगा देंगे और ये देखिए इस तरीके से हम इसमें कच्चा करेंगे। कच्चा कर इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस पर हमने कच्चा कर लिया है। अब हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसको हम इस वाली सिलाई के ऊपर रखेंगे। ये ऐसे कर इसका कॉर्नर जो है इस तरीके बीच में रखेंगे और यहाँ से हम अपनी मशीन को चलाना स्टार्ट करेंगे बीच में रखते हुए। ये देखिए ये ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरा पीस लेंगे। जो भी आप कलर सेट करना चाहते हैं वो कलर सेट करेंगे। ये देखिए ऐसे रखेंगे। इसको भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। फिर इसको फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे रखेंगे। 2-3 पीस आप रखते जाइए और उसके बाद इसको इसी तरीके से हम सिलेंगे। ये देखिए इसे हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर 1 इंच करीब जो है हम यहाँ पर छोड़ देंगे, गैप रखेंगे और यहाँ पर हम सर्कल में इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। जैसे कर ऐसे निशान लगाकर फिर सेम ऐसे ही हम लगाएंगे। ये देखिए इस लाइन पर हमने ये स्क्वायर पीस जो है वो अपने रखने हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद हम इसी पर ऐसे मशीन चलाएंगे। ये देखिए यहाँ पर फिर ऐसे ही हम और पीस रखेंगे। ये देखिए ऐसे। थोड़ा सा गैप रखेंगे और गैप रखने के बाद हम दूसरा पीस लेंगे। दूसरे पीस को भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए ऐसे। और यहाँ पर लाकर छोड़ेंगे और इसी निशान पर हम लगाते हुए इसे पूरा करेंगे। ये देखिए सेकंड रो को भी हमने कंप्लीट कर लिया। तब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से 1 इंच जो है हम यहाँ से छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद ऐसे ही हम अपने स्क्वायर पीस जो है उनको अटैच करेंगे। अब ये वाला पीस जो हमने 1 इंच यहाँ पर छोड़ा है इसको हम इस तरीके से ऊपर करेंगे। अपने पीस को ऐसे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद ये देखिए हमारा ये वाला पीस है, इसको हम ऐसे रखेंगे। ये नीचे की तरफ चला जाएगा और जो हमने 1 इंच छोड़ा पहले इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। तो ये देखिए हमारा जो है इक्वल जो ये बन जाएगा इस तरीके से। और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ऐसे ही 1 इंच हम इस तरीके से करेंगे और 1 इंच का निशान लगाते हुए इसको भी हम पूरा कर इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डोरमेट बनकर रेडी हो गया है। ये देखने में सुंदर लगता है और छोटे छोटे पीस आपके सभी इसमें यूज़ हो जाएंगे। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।